एक गीत और आपकी सेवा में ऋषि का बड़ा प्यारा है, जो लोग आज समाज से जुड़ते हैं उन्हें आत्मविश्वास होता है, उनकी जिंदगी में संशय नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी के लिए, भगवान करे आपके परिवार में धन्यवाद की नदी बहुत सुंदर। हमें स्वामी दयानंद के बताए रास्ते को चलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ऋषि के हर ग्रंथ में भूमिका में लिखा है, मेरी अपनी कोई बात नहीं है, ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक जिन बातों को जिन ऋषियों ने माना है मैं वही बातें आपके सामने रख रहा हूँ, जो भूल गए थे उन्हें याद दिला रहा। और कैसे ऋषि ने याद दिलाया, गीत सुने और एक मिनट की एक बात याद आई। एक पंडित जी एक परिवार में भोजन करने के लिए थे, देवी जी ने कहा महाराज आओ आपका आतिथ्य हो, क्योंकि चाणक्य महाराज लिखा जिन घरों में यज्ञ होता है वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, जिन घरों में विद्वानों के चरण पड़ते हैं आतिथ्य होता है सम्मान होता है, वो घर स्वर्ग के समान होता है। जहाँ कभी यज्ञ नहीं वेद मंत्रों को गाया, जिन घरों में कभी कोई विद्वान नहीं आया, तो मैं नहीं कहता बुरा मत मानना, चाणक्य महाराज लिखते वो घर संसार के समान। बहन ने कहा महाराज आपके चरण पड़े घर धन्य हो गया, बहुत अच्छा भोजन तैयार है। पंडित जी ने कहा खूब जोर से लगी, क्या क्या बनाया, अरे पूड़ियाँ बनाई है खीर बनाई है ये बनाया है और बहुत बढ़िया वाले मैंने पापड़ भी भून के रखे। खुशी में कभी कभी छूट हो जाती है, उसने सब कुछ खिला दिया पर पापड़ खिलाने के लिए भूल गई। अब पंडित जी के प्राण पापड़ में रखे, कहते हैं तो बदनाम हुए जाते और नहीं कहे तो अनुमान रह जाते, कहा भी ना जाए और पापड़ के बिना रहा भी ना जाए। हाथ धोए आशीर्वाद दिया उसने प्रदक्षिणा दी, जब चलने लगे तो वो बहन कहती महाराज अब कब आपके इस घर में चरण पड़ेंगे। पंडित जी को यही मौका लग गया और कहते दोबारा भी चरण अपने घर में दर्शनों की इच्छा, अरे महाराज आपके चरण आपके दर्शन हमारा जीवन धन कर देते, घर पवित्र हो जाता। पंडित जी कहते मैं तो आपके घर आज ही नहीं आ पाता। वो बोली क्यों, अरे मुझसे पूछो, जब आ रहा था रास्ते से जंगल में झाड़ी है ना, एक काला सर एकदम मेरी ओर को दौड़ा, वो तो बच गया, काट लेता वही खत्म हो जाता। एक बेचारी पीली पड़ गई और कहती महाराज आपको काटा तो नहीं ना, बच गया काटा नहीं, तो फिर वो सर तुमसे कितनी दूर रह गया था। पंडित जी ने कहा बता दू कि महाराज बताओ कितना फासला रह गया था, तो पंडित जी कहने लगे बस उतनी दूरी रह गई जितनी वो दूरी रसोई घर में पापा रखे ना, इतनी दूरी रह गई। इसने कहा महाराज महाराज रुको, अरे मुझे पापड़ खिलाने की तो याद ही नहीं रही। तो पंडित जी भी कहने लगे मुझे भी कहीं सर्प नहीं खाया था, मैं भी तुझे याद ही दिला था। ठीक है मेरे महर्षि ने याद दिलाई हमारे वो बातें, उनकी अपनी कोई बात नहीं है, जिन्हें ऋषियों ने माना, श्री राम ने माना, श्री कृष्ण ने माना, माँ सीता गार्गी रूपा मुद्रा हनुमान जी ने माना, शिव जी ने माना, वही बातें हमारे सामने ऋषि ने रखी। और आकर के उन्होंने एक विगल बजाया, दो लाइनें समय पर पहुंच गया कि जग भर में धूम मचाई के दुनिया जान गई सारी, सारे के आया दयानंद ब्रह्मचारी हो। सब भूल गए हथकंडे, काफी तेज होंगे
की पंडे उखड़े पापों के झंडे तो ऋषि के सम्मुख आया ऋषि ने कई हराया उसका था जगत विरोधी फिर भी ना रुकने पाया दुनिया जान गई सारी सारी के आया दयानंद ब्रह्मचारी अच्छे अच्छे विचार और निकल के आ रहे हैं।